22/12 में विगत दिनों जो मस्जिद जमींदोज हुई थी उसका निरीक्षण करने बागमारा विधायक ढुल्लू महतो घटनास्थल पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ उन्होंने राज्य सरकार का भी आड़े हाथों लिया। साथ ही अपने कड़े लफ्जों में कंपनी और BCCL प्रबंधक को चेतावनी दी। वहीं ढुल्लू महतो ने कहा कि हिल टॉप कंपनी और BCCL के द्वारा गुंडा के बदौलत और लाठी और बंदूक के सहारे पर कंपनी चलाने का काम किया। साथ ही श्री महतो ने कहा कि मैं विधानसभा में भी इस क्षेत्र का विस्थापन मुद्दा को रखा था और GM और CMD से भी बात किए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब तक यहाँ के लोगों को सुरक्षित जगह विस्थापित नहीं करेंगे तब तक यहाँ काम चालू नहीं होगा। फिर भी गुंडों के बदौलत यह कंपनी चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बड़ी घटना का सबसे बड़ा दोषी यहाँ के GM और BCCL अधिकारी और यहाँ के गुंडा दलाल है। वहीं मस्जिद के इमाम का कहना है कि बुधवार की शाम 5 बजे 60 की संख्या में नमाजी उपस्थित थे और नमाज पढ़कर निकलने के 15 मिनट के बाद यहाँ बहुत ही बड़ा गोफ हो जाता है। वहीं देख यहाँ के लोगों में भगदड़ सी मच गई। इससे पूर्व में भी कंपनी के द्वारा हैवी ब्लास्टिंग के कारण मस्जिद के दीवार में दरार आई थी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर यह घटना कुछ समय पूर्व घटती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद मस्जिद में लाखों का नुकसान भी बताया जाता है। देखिए ये 22/12/6/10 तेतुलमुड़ी बस्ती आसपास में BCCL का उत्खनन बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था, पहले भी चला था, वर्तमान में भी जो अभी डेको कंपनी चल रहा है हिल टॉप, इसके पहले भी हम लोग DC महोदय से बात हो चुका था, CO भी 2 बार यहाँ पे सर्वे में आ चुका है, GM CMD से बात होने के बाद भी उन लोगों को एग्री भी किया था कि हम यहाँ पे एक एग्रीमेंट बना लेंगे कि इतना दिन में खाली करने के बाद हम यहाँ पे उत्खनन करेंगे, मगर वो तो हुआ ही नहीं जी। हिलटॉप कंपनी और BCCL के द्वारा गुंडा के बदौलत, लाठी और बंदूक के बदौलत यहाँ पे काम चलवाने का काम किया, जबकि उन्होंने स्वीकार किया था कि यहाँ के विस्थापित जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे किसी प्रकार का कोई उत्खनन का काम नहीं करेंगे। आज देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है कि मस्जिद का कितना बड़ा गोफ हो चुका है। यहाँ पे अगर नमाज का वक्त रहता तो कितने लोग यहाँ पे, मतलब कितने लोग की घटना हो सकती थी, मगर इसका कोई ध्यान नहीं है। अभी हम GM से भी बात किए हैं, GM इसमें दोषी है, BCCL अधिकारी दोषी है, यहाँ के कुछ गुंडा दलाल लोग दोषी है, जिला प्रशासन भी जान रही है, राज्य सरकार का क्या दायित्व बनता था, क्या कर्तव्य बनता था, ये जल जंगल जमीन का बात करने वाली सरकार क्या कर रहे हैं। आज जबरन जाके हर जगह पे विस्थापित गांव के लोग को, विस्थापित लोगों को जबरन जमीन काटा जा रहा है, यहाँ पे किसी प्रकार का नियोजन दिया जा रहा है, न मुआवजा दिया जा रहा है। हमने विधानसभा में भी इस क्षेत्र का विस्थापन मुद्दा को मैंने रखा था, उस पर भी कोई सरकार का पहल नहीं है। सरकार को चोरी करने से फुर्सत नहीं तो गरीब लोग के प्रति क्या ध्यान रखेगा, चाहे कांग्रेस रहे चाहे JMM रहे। आज पूरा जिला में क्या हो रहा नहीं हो रहा है पूरा राज्य जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। किस तरह की यहाँ माइनिंग, लीगल माइनिंग कितना चल रहा है, कोयला चोरी कितना हो रहा है, आए दिन जितना BCCL में प्रोडक्शन है उतना तो चोर लोग चोरी करवा रहा है। अरे यहाँ जिला प्रशासन नहीं जान रहा है क्या, राज्य सरकार नहीं जान रहा है, राज्य सरकार चोरी करवा रहा है, राज्य सरकार का हिम्मत है तो यहाँ पे जितने गरीब लोग को जो इस स्थिति में है उसको अभिलंब, उसको विस्थापन करे, उसको नियोजन दिलवाए, उसको मुआवजा दिलवाए। इस विस्थापन को मुद्दे को लेकर के 5.5 महीने तक के कांग्रेस का बैनर तले धरना पड़ रहा है। कांग्रेस तो शुरू से यहाँ लोगों को ठगने का काम किया है, क्या किया है सो बताइए ना, क्या किया है एक चीज तो बताए, उपलब्धि तो बतावे, किए किए हैं वो किए हैं कोई काम। यहाँ तो आज बहुत वर्षों से यहाँ के 6-10 के लोग, 22/12 के लोग, 22/12 और तेतुलमुड़ी के लोग आज वर्षों से कांग्रेस के बैनर तले लड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार है, मगर यहाँ कांग्रेस का सरकार है, कांग्रेस अभी क्यों नहीं कर रही है, कांग्रेस के बैनर तले धरना पर दिया जा रहा है। सरकार में रहते हुए धरना देना मतलब क्या है, कि हम इधर करेंगे भी नहीं यार, दिखाएंगे भी लोगों को कि देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं। आज पूरा मस्जिद यहाँ पर टूट गया है और यहाँ पर पूरा मस्जिद धसा है, इसलिए यहाँ पर कुछ कुछ डॉग्स भी बना है, ये सब हो गया, वो सब हो गया, यहाँ पर सब आ गया, भीड़ हो रहा है इधर, और हम लोग को बहुत डर लग रहा है कहीं पर ये हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, बंदूक हो जाएगा। क्यों डर लग रहा है बाबू? क्योंकि अगर ये सब हम लोग उसमें दब गए, हम लोग को गोली लग गया तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत डर लग रहा है ना? हाँ, बहुत डर लग रहा है। इसके पहले भी धसा था बाबू यहाँ? हाँ, इससे जब ये शुरू स्टार्टिंग में हुआ था तब यहाँ पर है ना, क्या हुआ था सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले मेरा यहाँ झगड़ा हुआ, उसके बाद रात को हुआ, फिर रात को हुआ, फिर रात को हमको पता चला, पापा वीडियो दिखाए थे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है युवान। कहाँ रहते हो? 22/12 में रहते हो। बारे माँ बाप देखिए सर, ये मस्जिद का हम इमाम है, जामा मस्जिद है ये। हाँ। लगभग इसमें हम 12 साल से इमामत कर रहे हैं, ये 12 साल के बीच में 3-4 बार यहाँ ब्लास्ट हो चुका है,
जिसमें आप जो बाल बाल बचा, तो हम लोग को जो रूम रहते हैं ना, कम से कम 4-5 मतलब दरार आने के बाद 6 रूम हम बदली कर चुके हैं। अभी तो नौशाद साहब के घर में रह रहे हैं कल की बला छोड़ने के बाद, वो सब जो हुआ छोड़िए, लेकिन जो हम लोग बोध का रोज हुआ है यहाँ बला गोप हो गया, यानी यहाँ नमाज पढ़ा रहे थे आपका मगरिब को ही 5 बजे, जिस नमाज में हम इमाम थे और मुक्तदी का लगभग 60 या 70 था नमाज पढ़ने वाला। तो नमाज पढ़ने के बाद सब निकलने के बाद 10 या 15 मिनट के बीच में ये गोप हो जाता है। हाँ, नमाज पढ़ के पढ़ाने के चल जाते हैं और हमारा मौजूद जो अजान देता था बैठा हुआ 2-3 लड़का था, उन लोगों को जान लेकर भागा। यानी 10-15 मिनट आश्रम में अगर 60-70 आदमी का अल्लाह का ये करम हुआ ऊपर वाले का कि बच गया था, सब गोप में चल जाता, आपको पता नहीं चलता। यानी 10-15 मिनट का आरसा था, 60-70 नमाजी था, उसमें हम भी थे तो हम पढ़ाने चल गए, बस 10 मिनट का आरसा था। उसके बाद हम लोग को रूम का भी दरार आ गया, जहाँ हम लोग अजान देते थे वहाँ जनरेटर था 50-60 हज़ार का, अजान देने वाला मशीन था और डेकोरेशन का सामान था, सारा अंदर चल गया, कोई पता नहीं उसका भी था। लगभग कितने का नुकसान हुआ? बस लगभग 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया है अंदर किया के सामान। अजान अभी दूसरे मेक से दिया जा रहा है बाहर से, जनरेटर भी था, डेकोरेशन का सामान था, ड्राम वही सब अंदर चल गया। सर कोई प्रबंधक आए थे क्या यहाँ पे? बहुत से नेता सब आया, लेकिन इसको अभी तक बात नहीं बन पाया है, अभी तक कोई ऐसा बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका, ये बता सकते हैं? मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद मकसूद आलम। किस दिन की घटना? ये घटना बुध के वही 5 बजे के टाइम का है। ठीक, धन्यवाद।